स्वागत आपका मगर न्यूज पर। आज तारीख हो गई है 7 सितंबर 2022, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। हिंदू धर्म में बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित किया गया है। गणेश जी में आस्था रखने वाले लोग इस दिन बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इन सभी श्रद्धालुओं का मानना है कि आज यानी बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से जीवन के अंदर संकट जो है वो दूर होते हैं और खुशियों का आगमन होता है। यह बात करते हैं आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में। देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की, तो इस वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। चलिए आगे बढ़ते आज की खबरों की तरफ। देखिए, अपने मोबाइल फोन में आप रख सकते हैं सारा हेल्थ रिकॉर्ड। सरकार ने शुरू की है नई सुविधा। अब आप अपने मोबाइल फोन में अपना सारा हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं। दरअसल सरकार ने इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा की जो नई सुविधा है वो शुरू की है। ये अकाउंट पूरी तरह से डिजिटल होगा और इसकी मदद से आप अपनी हेल्थ आईडी यहाँ पर बनवा सकेंगे। यहाँ पर आपकी एक हेल्थ आईडी बनेगी। इस आईडी की मदद से आप अपने मोबाइल फोन में ही लैब रिपोर्ट्स और इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट और इसके अलावा वैक्सीनेशन रिकॉर्ड आदि इसमें सेव कर सकते हैं। वही मोबाइल्स में रिपोर्ट सेव रहने से आपको अस्पताल या फिर क्लिनिक में बड़ी फाइलों से लेकर चलने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इन फाइलों की जगह आपका मोबाइल फ़ोन ले लेगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर जब रिपोर्ट आपसे मांगे तो आपको कागज़ या फिर प्रिस्क्रिप्शन थमाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि उसे डॉक्टर को डिजिटली आपसे शेयर कर सकेंगे। दरअसल मोबाइल में आपकी हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो पूरा सेव हो जाएगा। इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी आपको बनानी होगी। ये आईडी पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा यहाँ पर बनाया जाएगा। ये काम आप घर बैठे यहाँ पर हो जाएगा, मतलब जो ये काम है आपका घर बैठे यहाँ पर हो जाएगा और कंप्यूटर या फिर मोबाइल से ये आईडी बनाई जा सकेगी। वही आयुष्मान हेल्थ आईडी बनाने के लिए आधार या फिर ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होगी। दोनों में से एक कोई भी कागज़ हो तो आप आसानी से अपना आयुष्मान भारत हेल्थ आईडी जो है वो आप अकाउंट है जो आप यहाँ पर बनवा सकते हैं। आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट इसमें आप बनवा सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो पंजाब सरकार ने स्टूडेंट्स को दिया है तोहफा। स्कूल जाने वाली छात्राओं को मिलेगी बस में फ्री सुविधा। पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली एजुकेशन मॉडल की तरह पंजाब में भी शिक्षा के लेवल को बेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षक दिवस के मौके पर सीएम ने स्टूडेंट्स को तोहफा दिया। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को राज्य भर में सरकारी स्कूल में जाने वाली लड़कियों के लिए शटल बस सेवा शुरू करने की घोषणा यहाँ पर की है, ताकि जो छात्र है मतलब जो छात्राएं हैं वो बीच यहाँ पर ड्रॉप आउट दर की जांच यहाँ पर की जा सके। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा के लिए जो बेसिक जरूरतें हैं उसे यहाँ पर पूरा किया जाए और हर बच्चे को सही गुणवत्ता की शिक्षा और बस सेवा और सही पोषण और सभी तरह की जो सुविधा है वो मिलनी चाहिए। बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल ने दी अपने यूजर्स को चेतावनी। क्रोम इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो फटाफट कर ले ये काम, वरना हैक हो जाएगा आपका डेटा। अगर आप भी गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कहा गया है कि क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को अपने डिवाइस को तुरंत एक सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल यहाँ पर कर लेना चाहिए, जिसके जरिए खुद को हैकर्स द्वारा भेजे गए गंभीर बग से बचा जा सकेगा। दरअसल गूगल ने कहा है कि वे गुमनाम सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा की गई रिपोर्ट में CVE 2022-3075 का उल्लेख से अवगत है। इससे यूजर्स का जो डेटा है वो यहाँ पर खतरे में पड़ सकता है। दरअसल गूगल ने बताया कि उसने विंडोज, मैक और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर गूगल क्रोम यूजर्स के लिए सिक्योरिटी पेच जारी किया है, जो आने वाले दिनों में रोल आउट किया जाएगा। वही गूगल ने एक सिक्योरिटी अपडेट में कहा है कि बग डिटेल्स और लिंक यहाँ पर लिंक तक के एक्सेस को तब तक यहाँ पर प्रतिबंध रखा जा सकता है जब तक कि अधिकांश यूजर्स नए फिक्स के साथ अपडेट नहीं हो जाते। इसके साथ ही गूगल ने बताया कि अगर किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी में बग मौजूद है तो जिस पर अन्य प्रोडक्ट समान रूप से निर्भर करते हैं, लेकिन अभी तक अपडेट यहाँ पर नहीं हुए हैं तो हम इस प्रतिबंध को बनाए रखेंगे। बता दें आपको गूगल क्रोम इस साल अपना 6ठा जीरो डे वल्नरेबिलिटी यहाँ पर है। वही गूगल ने कस्टमर को जो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट है उसे एक्टिवेट करने की बात यहाँ पर कही है, और जो गूगल क्रोम ब्राउजर है उसे अपडेट करने की बात भी कही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए खुशखबरी। फिटमेंट फैक्टर पर आया है बड़ा अपडेट। इतनी बढ़ेगी अब सैलरी।
अगर आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल ये खबर ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होते ही सैलरी स्टेटस में जो है बदलाव वो आएगा। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खबर ये मिली है कि सितंबर के अंत तक सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सितंबर में ही फिटमेंट फैक्टर पर फैसला किया जा सकता है। इसमें बदलाव होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी। फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होते ही पूरी सैलरी पर उसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। उम्मीद की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर को लेकर सितंबर के अंत तक बैठक हो सकती है। यदि इस बात पर सहमति बनती है तो 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और यहाँ पर जो 52 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारी उनकी बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर के तहत इजाफा होगा। वही सरकारी कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वही केंद्रीय कर्मचारियों को अभी फिलहाल 2.57% के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जा रहा है। सितंबर में इसे बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। वही केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरी है वो तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। वही फिटमेंट फैक्टर में बदलाव का मतलब आपकी सैलरी में भी असर पड़ेगा। इसके आधार पर ही कर्मचारियों की जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ाई जाती है। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना की जंग में बड़ी खुशखबरी, भारत में पहली नेजल वैक्सीन को मिली है मंजूरी। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी मिली है। दरअसल देश की पहली नेजल वैक्सीन को DCGI उसने यहाँ पर मंजूरी दे दी है। दरअसल वैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने COVID-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए इसे बिग बूस्ट करा दिया है। वही केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि ये भारत के लिए बुक है, यहाँ पर बिग बूस्ट है। वही COVID-19 के खिलाफ भारत में लड़ाई का एक बड़ा ये जो वैक्सीन है नेजल वैक्सीन वो बिग बूस्ट है। वही भारत बायोटेक के नेजल वैक्सीन को यहाँ पर DCGI ने यहाँ पर मंजूरी दी है। उन्होंने आगे लिखा है कि यह कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। वही भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान अनुसंधान एवं विकास एवं मानव संसाधन का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम विज्ञान आधारित दृष्टिकोण से COVID-19 को हराएंगे। इससे पहले भारत बायोटेक ने इंस्टीट्यूशनल जो वैक्सीन है उसका तीसरा क्लिनिकल ट्रायल 15 अगस्त को पूरा कर लिया था। वह ट्रायल के दौरान वैक्सीन को पहली और दूसरी खुराक के तौर पर दिया गया। वही सफल परीक्षण के बाद बूस्टर डोज के तौर पर भी इसका परीक्षण यहाँ पर किया गया। हालांकि बूस्टर डोज उन्हीं लोगों को दी गई थी जिन्होंने COVID-19 की दोनों वैक्सीन लगवा ली थी। वही भारत बायोटेक ने पूरे भारत में यहाँ पर 14 जगहों पर परीक्षण किए थे। वही कंपनी ने बताया कि पहले चरण में क्लिनिकल ट्रायल में स्वस्थ वेंटिलेटर्स को दी गई वैक्सीन की खुराक ने अच्छी तरह काम किया है। वही कोई गंभीर प्रतिकूल घटना की जानकारी नहीं मिली है। वैक्सीन को यहाँ पर प्री क्लिनिकल टैक्सिसिटी स्टडीज में सुरक्षित और इम्यूनिटी से अच्छी तरह से काम करने के योग्य पाया गया था। वही जो नेजल वैक्सीन उसकी बूस्टर डोज के लिए 9 जगहों पर परीक्षण पहले किया गया था। वही केंद्रीय जो केंद्र सरकार है उसने पिछले साल जो मिशन कोविड है उसकी सुरक्षा को लॉन्च यहाँ पर किया था जिससे कोरोना वैक्सीन पर जल्द से जल्द तेजी से काम किया जा सके। इस मिशन में फोकस लोगों के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी और सस्ती और सुलभ कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाने का था।